मिलके घर में रह के जो इलाज करेंगे, तरीके से ठीक चीज़ों को अपनाएंगे, उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे। और ये भी याद रहे कि अगर घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो जैसे अभी दिखाया कि उसको बहुत ज़रूरी है कि वो मास्क पहने, क्योंकि वो फेंक रहा है वायरस बाकियों को। और बल्कि अब मैं कहना चाहूँगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर में हम वैसे ही अब मास्क पहनना शुरू करें। हम बाहर की बात करते थे, लेकिन संक्रमण जैसे है ज़्यादा है तो घर में भी बाई चांस किसी को आ गया है तो जहाँ तक हो गए घर में भी जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है, बाकियों को भी लगाना है, उसको दूसरे कमरों में रखना है। और अगर घर में ऐसी व्यवस्था की कमी है तो इतने आइसोलेशन केयर बेड्स बने हुए हैं, उनको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं, या आइसोलेशन बेड्स हैं इसी तरह की मदद करने के लिए। बाहर ये जो क्वारंटाइन आइसोलेशन होती है घरों में नहीं होती थी, ये देश हमारे ने ही करके दिखाया और अच्छा फायदा हुआ। लेकिन जो ये जगह पड़ी हुई है हमारे पास उनका भी इस्तेमाल करिए, ये भी मेरी अपील होगी कि जहाँ भी ये सुविधा में मुश्किल है तो सिर्फ अस्पताल मत ढूंढिए कि जिसमें सब कुछ है, ये आईसीयू में सीधा जाना है। ये हमारी व्यवस्था में हिस्सा है जिसको हम कोरोना केयर सेंटर्स कहते हैं या CCCs कहते हैं, वहाँ उन व्यवस्थाओं को भी जोड़िए। और मैं विनती करूँगा राज्य सरकारों से कि ये वाला पार्ट है जहाँ की सिर्फ घर जैसी केयर है लेकिन मदद की जा रही है और वॉच किया जा रहा है, उसको भी अपनाया जाए और उसको भी बढ़ाया जाए।